हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रवि त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या जुडिशरी में सफलता मिलेगी, या सरकारी जॉब में जाएंगे या विदेश जाएंगे, या विदेश से लाभ मिलेगा, आयात निर्यात से लाभ मिलेगा, या भूमि भवन खरीदने से लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। पत्नी का सहयोग कैसा रहेगा, संततियों का सुख रहेगा, क्या करेंगे संततियों के साथ, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। और आज आपकी जहां नौकरी करते हैं उनसे आपके क्या संबंध रहेंगे, आपका प्रेम का संबंध कैसा रहेगा, किसका सहयोग रहेगा, किसका सहयोग रहेगा, साझेदारी में कार्य करने से लाभ होगा या नुकसान होगा, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सब बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, और किस क्षेत्र में कार्य करें, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, और जो भी योजनाएं हैं, जो आपने प्लान कर रखा है बहुत दिन से सोच रहे करने के लिए, वह सब मूर्त रूप होते हुए दिख रहा है। साझेदारी से भी लाभ मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए तरह के कार्य करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। माता पिता का सुख मिलेगा, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय आ गया है और आज आपका आत्मविश्वास आत्मबल में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर आपने किया है तो आज आपके लिए नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। पदोन्नति के साथ साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है और इमेजिनेशन को जो भी इमेजिनेशन उसको वन बेटा हजार अंश अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आलस्य का परित्याग करें और आप जो प्रयास करते हैं तो उसको सही दिशा में करें। साझेदारी में किया गया कार्य से थोड़ा सा बचें और बहुत अलर्ट होकर साझेदारी में कार्य करने की जरूरत है। गुस्सा पर नियंत्रण रखें और किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पुराने मित्र मिलेंगे, उनके मिलने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा और ढेर सारा कार्य एक साथ होने से आपके मन काफी अच्छा रहेगा। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। भूमि भवन या रियल इस्टेट में अगर कोई भी पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही उचित अवसर है, उसमें आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप कहानी लिखना चाहते, किताब लिखना चाहते, फिल्म क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो साहित्यिक क्षेत्र में किया गया प्रयास आपके लिए सार्थक रहेगा और आपका समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो अगर ये सब चीजें करते हैं तो आपके लिए बड़ी सफलता का समय है। माता पिता का सुख मिलेगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। संतान की टेरिटरी में आप दखलअंदाजी एकदम न करें, उनको इनकरेज करें, बूस्ट अप करें और संतान जो भी करेंगे बहुत अच्छा करें, उनसे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पत्नी और माता में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी महिला मित्र के सहयोग से आपका आज काफी अच्छा कार्य होने वाला है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको गुस्सा पर नियंत्रण करना है और आलस्य का परित्याग करना है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल, लाल फूल और चावल को लाल रंग में रंग करके ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जलाभिषेक करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनको जल से अर्घ दें, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।